नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी लगातार संघर्ष। मंगलवार की शाम हिजबुल्ला ने 8 मिनट के अंदर 90 रॉकेट्स दाग दिए। हिजबुल्ला ने लेबनान से उत्तरी इसराइल में अपर गलीली, पश्चिमी गलीली और दक्षिणी गोलान हाइट्स के इलाकों पर हमला किया। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर भी लिया और मार गिराया, जबकि कुछ जमीन पर गिरे जिससे उन इलाकों में आग लग गई। बाद में इजरायली फोर्सेस ने उस जगह पर हमला किया जहां से हिजबुल्ला रॉकेट दाग रहा था। उनके रॉकेट लॉन्चर को भी तबाह कर दिया गया और इस दौरान की जो परिस्थितियां थी उसमें बताया जा रहा है कि 90 रॉकेट्स एक साथ दागे गए। एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ रॉकेट्स को नाकाम जरूर कर दिया, लेकिन कुछ जमीन पर आग गिरे और आग लग गई। हालांकि बाद में इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में उन इलाकों पर हमला किया गया जहां से रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे थे और रॉकेट लॉन्चर को ही ध्वस्त कर दिया गया। ये उत्तरी इसराइल में हमला किए जाने के बाद की तस्वीरें हैं जहां पर कि रॉकेट लॉन्चर को ही इसराइल ने तबाह कर दिया और इस हमले के दौरान की कुछ वीडियोज भी सामने आई है। मुलाकातों के बीच हिजबुल्ला ने इसराइल पर अंधाधुंध रॉकेट धमाके शुरू कर दिए। इसराइल के किरियात शमोना, गैलीली और हाइफा में हिजबुल्ला ने भीषण तबाही मचाई। नेतन्याहू के लिए लेबनान की लड़ाई बहुत मुश्किल होने जा रही है। इंसानों की यहां कोई भी साथ नहीं है, यहां कदम कदम पर मौत है, आसमान से बरसती मौत। मैं इस वक्त इजराइल और लेबनान के बेहद करीब हूं और आप देखिए वहां पर इस वक्त आपको साफ दिखाई दे रहा है मिसाइल अटैक हुआ है। ये देखिए मिसाइल अटैक, ऊपर जाकर के आप देखिए साफ साफ मिसाइल अटैक हुआ है। धमाके की आवाज सुनी जा सकती है और सायरन यहाँ पर लगातार बज रहे हैं। यहाँ के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। हिजबुल्ला सिर्फ युद्ध में मार नहीं खा रहा, इसराइल को मार भी रहा है, तबीयत से मार रहा है। ये देखिए दूसरा रॉकेट, ये देखिए दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट। मार इतनी भयानक है कि उसका ट्रेलर न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर अरुण सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी ने कैमरे में कैप्चर की है। ये शोर सुनिए, रॉकेट की रफ्तार देखिए, फिर धमाके का असर खुद ब खुद समझ सकेंगे। कलेजा थर्रा देने वाले दृश्य अब इसराइल में दिख रहे हैं। कई सारे देखिए प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ कहीं छुपना पड़ेगा। देखिए एक साथ कई सारे रॉकेट हिजबुल्ला ने यहाँ पर दागे हैं। मैं और मेरे कैमरामैन राकेश नेगी, देखिए ऊपर की तरफ देखिए, धुएं देखिए, धुआं देखिए और धुएं का गुबार देखिए लगातार। हिजबुल्ला के हमले को नई धार मिली है। ईरान भी अब खुलकर इसराइल को दहलाने जा रहा है। वजह, ईरान को अब एक ऑर्डर पर मिलेगा हर हथियार। खामनेई की डिमांड पर रातों रात मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइल। कुछ फोर्स जब चाहे उसे मिल जाएगा सुपरसोनिक आसमानी लड़ाका। ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट हुआ तो एटम बम का भी हो जाएगा जुगाड़। इसराइल हो या अमेरिका, ईरान को अब किसी से नहीं डर। ईरान कभी भी इसराइल से नहीं डरा। ईरान ने हर बार इसराइल के हमले का जवाब दिया। ईरान ने बम के बदले मिसाइल से दहलाया, लेकिन अमेरिका के वॉर जोन में आने के बाद से ईरान की जमीन खिसक गई थी। ईरान को सुपर पावर के जंगी बेड़े डरा रहे थे। ईरान को न्यूक्लियर बमों से लोडेड फाइटर जेट से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था।
मगर अब तेहरान में टेंशन जैसी कोई बात नहीं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी बेफिक्र है। वजह है मॉस्को से हुआ एक ऐलान। ईरान को रूस से क्या क्या गारंटी मिली है, डिटेल व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है, जिसके चलते करीब एक हफ्ते से नेतन्याहू से बातचीत नहीं कर रहे प्रेसिडेंट जो बाइडन ने फटाफट मीटिंग फाइनल कर ली है। यानी दो हॉटलाइन एक्टिव है 24/7। तेहरान और मॉस्को की हॉटलाइन पर इजराइल के हमले से निपटने का प्लान बन चुका है। वहीं रूस के वॉर जोन में एंट्री के बाद प्रेसिडेंट बाइडन और नेतन्याहू नई रणनीति बना रहे हैं। लीडर्स की वॉर प्लानिंग से अलग युद्ध के मैदान में खून खराबे की लिमिट क्रॉस होती जा रही है। हिजबुल्ला के रॉकेट धमाके हाइफा में हाहाकार मचा रहे हैं। जैसे बेरूत जल रहा है, ठीक वैसे ही दृश्य इसराइल में दिखने लगे हैं। लेकिन इसराइल के बारूदी प्रहार को झेलने की हिम्मत अब हिजबुल्ला में बची नहीं। हिजबुल्ला सीज फायर की दहाड़ लगा रहा है। मगर इसराइल का मकसद साफ है, हिजबुल्ला, हमास, हूती के साथ इन सब के अघोषित आका, ईरान की तबाही। אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. יחד נלחם ויחד ננצח, בעזרת השם. जबकि युद्ध में इजराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हिजबुल्ला लड़ाके इजराइल को घर में घुसकर दहलाने लगे हैं। यह हाइफा सिटी का हाल है। हिजबुल्ला आर्मी ने हाइफा में रॉकेट धमाके की झड़ी लगा रखी है। मैं आपको लेके चलता हूं उस कमरे के अंदर जिसकी छत पर यह रॉकेट गिरा था, और उसके बाद से ये देखिए पूरा जो छत है वो भरभरा के नीचे गिर गया। इस वक्त भी जो टुकड़े हैं जो ऊपर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, सरिया दिखाई दे रही है, और जो गिट्टी जिससे ढलान की जाती है यानी जिससे छत बनाया जाता है वो भी आपको दिखाई दे रही है। कितना तगड़ा ये हमला था कि पूरी 6 इंच की जो छत है और वो भी गिट्टी की छत है वो भरभरा के गिर गई नीचे। भारी युद्ध में अचानक सब कुछ बदल सा गया है। शांति की पहल पूरी तरह से किनारे रखकर ईरान और उसके समर्थक फाइटर ग्रुप इसराइल पर टूट पड़े हैं। कारण है ईरान को मिला मोस्ट पावरफुल लीडर का बैकअप। दुनिया भर के अखबारों ने प्रेसिडेंट पुतिन की तुर्कमेनिस्तान में एक मीटिंग की खबर को छापा है, जिसमें वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान से 1-on-1 मीटिंग करने जा रहे हैं। मीटिंग का बहाना तुर्कमेन कवि की स्मृति में आयोजित एक समारोह को बनाया गया है। पुतिन पेजिश्कियान अमेरिका के खिलाफ मजबूत फ्रंट तैयार करने को लेकर वॉर प्लान तैयार करेंगे। दूसरी तरफ पुतिन की इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू से हाल फिलहाल मुलाकात की अभी कोई योजना नहीं। पुतिन से मीटिंग फाइनल होने के बाद से ईरान के हौसले बुलंद है। ईरान के राष्ट्रपति अब खुल्लम खुल्ला वॉर क्राइम के लिए इजराइल के साथ अमेरिका को कोसने लगे हैं। हुकूमत वहशी रो इंजे गुज़श्तन उरूपा व अमेरिका व ये आदमाई के दम अज़ हुकूक़ बशर मिज़नन अज़ इश्तिफ़ा मिकुनन हीच चारचूब इंसानी रो मुराद नमिकुनन ज़न व बच्चे व पीर व जवान रो राहत बमबारान मिकुनन। ईरान और रूस के जॉइंट मिशन की खबर व्हाइट हाउस जैसे ही पहुंची, प्रेसिडेंट जो बाइडन एक्शन में आ गए। इजराइल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाइडन ने नेतन्याहू से फोन कॉल पर लंबी चर्चा की है। इस बातचीत में खाड़ी युद्ध में आए बड़े ट्विस्ट पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। अमेरिका फिलहाल ईरान पर हमले से नेतन्याहू को बचने पर जोर दे रहा है, जबकि नेतन्याहू हर हाल में ईरान को 200 मिसाइल का जवाब देने पर अड़े हैं। लेकिन इजराइल ने हमला किया तो प्रेसिडेंट पुतिन ईरान की हर तरह से मदद के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ईरान ने रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन को सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई है।
पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ईरान ने यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी थी। ईरान से फतेह 110, फतेह 360 और जुल्फिकार सिस्टम मॉस्को डिलीवर किया गया था। ईरान ने रूस को बड़ी संख्या में शाहिद 136 ड्रोन की आपूर्ति भी की है। अब युद्ध संकट ईरान पर मंडराया है तो पुतिन एहसान चुकाने से पीछे नहीं हटने वाले। पुतिन यूक्रेन मॉडल की तरह इजराइल को दहलाने का वॉर प्लान तो ईरान को देंगे ही, साथ ही उन हथियारों से भी मदद पहुंचा सकते हैं जिनकी कार्ड दुनिया में किसी के पास नहीं है। ईरान और रूस की दुश्मनी अमेरिका से है, इसलिए भी पुतिन यूक्रेन युद्ध का हिसाब खाड़ी में सुपर पावर से पूरा कर सकते हैं। ऐसे में जो बारूदी घमासान हमास ने शुरू किया था, जिसे इजराइल ने बारूद की बेहिसाब डोज देकर बर्बाद कर दिया, हमास को बचाने हिजबुल्ला आया तो इजराइल ने दोनों दुश्मनों को बेदम कर डाला। फिर हूती लड़ाकों ने इजराइल को दहलाने की कोशिश की तो उसे अमेरिका ने जमकर पीटा। आखिर में युद्ध में मोर्चा ईरान ने संभाला। ईरान ने इजराइल को 200 रॉकेट की पहली किश्त भेजी, जवाब अब इजराइल को देना है। इसी पलटवार के इंतजार ने कई मुल्कों की दुखदुखी बढ़ा रखी है, लेकिन अब तक सुप्रीम लीडर अली खामनेई और बेनियामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में लड़ी जा रही लड़ाई नए किरदारों से विध्वंसक और विनाशकारी रुख अख्तियार कर चुकी है। तेहरान से मॉस्को, तेल अवीव से वॉशिंगटन डीसी की हॉटलाइन एक्टिव है। खाड़ी के वॉर जोन में बहुत बड़े युद्ध का सायरन सुनाई देने लगा है, जहां अमेरिका और रूस की सीधी टक्कर भी हो सकती है। ईरान का एक कमांडर इस वक्त लापता है। दावा यह किया जा रहा है कि इस कमांडर की मौत तभी हो गई थी जब हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला पर बॉम्ब्स गिराए गए थे, लेकिन अब ईरान से आए एक बयान से यह लग रहा है कि यह कमांडर मिसाइल कंट्रोल रूम में बैठकर किसी भी वक्त अगले हमले का बटन दबा सकता है। एक अक्टूबर तो ट्रेलर था, ईरान पूरी पिक्चर किस तारीख को दिखाएगा इसका फैसला जनरल इस्माइल कानी पर छोड़ दिया गया है। इस्माइल कानी यानी ईरान की कुफ्स फोर्स का वो कमांडर जिसके मारे जाने की खबर वायरल है। इस्माइल कानी यानी ईरान का वो कमांडर जिसने जनरल कासिम सुलेमानी की जगह ली है। इस्माइल कानी यानी ईरान का वो जनरल जो अगर जिंदा है तो कोई शक नहीं कि उसकी उंगली इस वक्त मिसाइल के बटन पर है। चार अक्टूबर को तेहरान में जुमे की नमाज पढ़ाकर ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनेई ने बताया था कि इसराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इस दौरान ना तो कुछ फोर्स के कमांडर जनरल कानी को देखा गया और ना ही इसके बाद कोई खबर आई। जब जनरल इस्माइल कानी को 27 सितंबर के बाद से नहीं देखा गया तो अफवाहें खबरों में तब्दील हो गई। वर्ल्ड मीडिया में खबर आने लगी कि कानी गायब है और शक है कि नसरल्ला पर जब इसराइल की स्ट्राइक हुई तब जनरल इस्माइल कानी वहां पर मौजूद थे। इन खबरों ने ईरान में भी हड़कंप मचा दिया और फिर आई ये सफाई। तेहरान में हुई एक कॉन्फ्रेंस में जनरल कानी को आना था, लेकिन फिर वहां के होस्ट ने ये जवाब दिया, ये शायआत و با همه بوهای خبری که رسانه‌های مختلف غربی و مخصوصاً در مجازی رسانه‌های تلگرامی در این چند روز فریاد میکشیدند، سردار سرفراز اسلام فرمانده معزز نیروی قدس حاج اسماعیل قانی ضمن ابلاغ سلام محضر یکایک حاضران در همایش. جنرل قانی کو اسرائیل کا بہت بڑا ڈر کہا جائے گا کیونکہ ایران کی قدس فورس وہ طاقت ہے جس کے پاس ودیشوں میں آپریشن کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ فورس عراق سے لے کر سیریا، لبنان اور یمن میں بھی ایکٹیو ہے، اور کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر اسرائیل کے اندر بھی خفیہ آپریشن میں قدس فورس کے ایجنٹ موجود ہوں۔ ویسے ابھی گیند اسرائیل کے پالے میں ہے کیونکہ 1 اکتوبر کو ایران کے حملے کے بعد اسرائیل جوابی اٹیک کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران کہہ چکا ہے کہ اس بار اس کا حملہ کئی گنا بڑا ہوگا اور اسرائیل کو مٹا دیا جائے گا۔ ایسے میں جنرل اسماعیل قانی کہاں ہوں گے یہ بڑا سوال ہے۔
कुर्द्स फोर्स के डिप्टी कमांडर ने दावा किया है कि इस्माइल कानी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। उनका दावा है कि इस्माइल कानी सुरक्षित हैं, एक्टिव हैं और फोर्स को कमांड कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर इस्माइल कानी सुरक्षित हैं और फोर्स को कमांड कर रहे हैं तो इसराइल भी उनकी निगहबानी कर रहा होगा। क्या जनरल इस्माइल कानी ईरान के मिसाइल कंट्रोल रूम में बैठे हैं और सुप्रीम लीडर खामनेई से मिले बड़े ऑर्डर को अंजाम देने जा रहे हैं? क्या जनरल इस्माइल कानी के टारगेट पर है इसराइल के 6 बड़े शहर और ठिकाने? अगर ये सच है तो इसराइल पर खतरा बड़ा है। ईरान के टारगेट पर तेल अवीव है यानी इसराइल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, हाइफा यानी इसराइल का सबसे बड़ा पोर्ट और आर्थिक राजधानी, नेवतिम जहां इसराइल का सबसे बड़ा और खुफिया एयरबेस है, दिमोना यहां है इसराइल का परमाणु रिएक्टर और बाकी शहर है अजदोद और एश्किलोन। रजीम सहियोनिस्ती तोसिये मिकोनीम के इरादे जमहूरी इस्लामी ईरान रो आजमाइश नकने। अगर हर हमले ई बे کشور ما صورت بگیره پاسخ ما قدرتمندانه تر و پرقدرت تر از گذشته خواهد بود. حالانکه جواب اب اسرائیل کو دینا ہے لیکن ایران کو لے کر اسرائیل کا خطرہ کم نہیں ہوا ہے بلکہ بڑھ چکا ہے۔ ये इसराइल के अखबार हारेट्स की खबर है। इसराइल के 130 सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया है। ये सैनिक चाहते हैं कि इसराइल की सरकार जल्दी से बंधकों की रिहाई को लेकर डील करे। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि वो एक साथ 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मोर्चा भी है जो नेतन्याहू के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। इसराइल की मीडिया में ऐसी खबरें छपी हैं जो नेतन्याहू को परेशान ही नहीं काफी परेशान कर सकती हैं। जब इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन गाजा के बाद लेबनान में भी शुरू हो चुका है तब 130 सैनिकों की ऐसी डिमांड नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत शुरू कर सकती है। क्या ये इसराइल की सेना में बगावत कही जाएगी? लेबनान में मौजूद ये इजरायली सैनिक बहुत ज्यादा दबाव में है क्योंकि लेबनान की मीडिया ने दावा किया है कि हिजबुल्ला ने इसराइल के कम से कम 25 सैनिकों को मार डाला है जबकि सैकड़ों घायल हैं। यही वजह है कि अब नेतन्याहू ने एक डिवीजन फोर्स यानी कम से कम 10,000 सैनिकों को दक्षिणी लेबनान के मोर्चे पर भेज दिया है। ऑपरेशन दिन रात जारी है। ऐसे में जब 130 सैनिक लड़ने से मना कर रहे हैं तब इसराइल की सेना के अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मर्रत सना अला तूफान अल अक्सा हादा तूफान हुवा हदथ गैर आदी हुवा हदथ استثنائي استطيع ان اقول بانه بدايه تغيير وجه الشرق الاوسط। वैसे नेतन्याहू के खिलाफ पब्लिक के प्रदर्शन तो लगातार होते रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग इसराइल की सड़कों पर निकलकर नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। हमास के कब्जे में जितने बंधक हैं उनको छुड़ाने की मांग लगातार हो रही है। इसराइल में इस वक्त काफी ज्यादा तनाव है। एक तरफ लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला रॉकेट और मिसाइल अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार धमकी दे रहा है। यमन की तरफ से हुती विद्रोही भी इसराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। हमास की तरफ से भी खतरा बना हुआ है। इसराइल के हादेरा में एक शख्स ने 6 लोगों को चाकू मार दिया। इसराइल ने इसे आतंकवादी घटना माना है। हादेरा में इस हमले ने पूरे इसराइल को हिला कर रख दिया है। हमलावर भी मारा गया लेकिन 1 अक्टूबर को तेल अवीव में भी ऐसा ही हमला हुआ था जब 2 बंदूकधारियों ने इसराइल की राजधानी में गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी जबकि 9 घायल हुए थे। ऐसे हमलों और हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक के बीच इसराइल पर बड़ा खतरा ईरान की तरफ से है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जनरल इस्माइल कानी की हो सकती है। क्योंकि इस्माइल कानी के मारे जाने की खबर को ईरान ने खारिज कर दिया है इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी बंकर या कंट्रोल रूम में बैठकर जनरल कानी को नए हमले की तैयारी करने के लिए कहा गया है और इस वक्त उनकी उंगली भी उसी बटन पर है जिसे दबाकर 1 अक्टूबर को 200 मिसाइल इसराइल पर फायर की गई थी। वैसे ये बटन तभी दबेगा जब इसराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा और इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल जवाब जरूर देगा और उसके टारगेट पर ईरान के कम से कम 25 शहर हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें तेल के ठिकाने भी हैं और इनमें तमाम उन कमांडरों के एड्रेस हैं
जो खामनेई के ऑर्डर पर इसराइल को दहलाने के लिए तैयार है। यही वजह है कि जनरल इस्माइल खानी को किसी सीक्रेट अड्डे या फिर बंकर में भेज दिया गया है ताकि सेकेंड स्ट्राइक के लिए ईरान तैयार रहे। और इसी के साथ